नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नूरपुर धामपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर आज एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक तेल डलवाकर जैसे ही रोड पर चढ़े, रोड पर पेट्रोल पंप मालिक की ईंट रखी होने के कारण उनको नूरपुर से आती हुई रोडवेज बस दिखाई नहीं दी, जिससे बाइक पर बैठे दोनों व्यक्ति बस के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक सवार दोनों युवक बजेड़ा खुर्द निवासी हैं, जिनको आनंद फानंद में नूरपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के द्वारा सीएचसी धामपुर को भिजवाया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएचसी धामपुर डॉक्टर का कहना है कि हमने उन्हें धामपुर से बिजनौर के लिए रेफर कर दिया है और उनकी हालत नाजुक है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि पंप मालिक की ईंट रोड के किनारे रखी होने के कारण एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं। उनका कहना है कि इन ईंटों की वजह से ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से इन्हीं ईंटों को हटाने की मांग की है। धामपुर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। स्पाई क्लिनिक हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज डॉक्टर एच के पूर्व चिकित्सक भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल नई दिल्ली, पता स्टेशन चौराहा चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाबाद रोड, किरतपुर। नाम है सर आपका? कुलदीप नाम है मेरा सर। कौन सा थाने से? थाना नूरपुर से। अभी सूचना मिली थी कि धामपुर रोड पे पेट्रोल पंप के सामने बाइक का रोडवेज में एक्सीडेंट हो गया था। मैं सूचना पे पहुंचा, घायलों को सीएचसी धामपुर रेफर करा दिया गया है। सब जीवित है सर? हाँ, सब जीवित है। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। सीएचसी धामपुर। ये जो एक्सीडेंटल मामला आया था ओमदी पंप के सामने का, इसमें जो ये चोटिल व्यक्ति, उनकी क्या कंडीशन है? काफ़ी सीरियस कंडीशन है और कंडीशन को देखते हुए उसे तुरंत रेफर किया गया है जिला अस्पताल बिजनौर के लिए। दोनों के दोनों रेफर हुए। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? अभी कुछ कर नहीं सकते, कंडीशन सीरियस है। एक बेहोशी की अवस्था में है, एक होश में है, लेकिन उन्हें भी चोटें काफ़ी आई है। ठीक है। इकबाल अहमद। ये जो एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल और बस का, ये क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, जब भी यहाँ एक्सीडेंट होते हैं लोग बाग ये कहते हैं ये जो इट्टी रखी है कि इनकी वजह से हमें धोखा लग गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तुम्हारा क्या कहना है? कि इट्टी हटनी चाहिए यहाँ से। इट्टी हटनी चाहिए? हाँ। जितनी भी घटना हो रही है, कहाँ के रहने वाले? जो जितनी भी घटना हो रही है इट्टी। आप कहाँ के रहने वाले? उमरी। तो ये पंप है सामने? हाँ, पंप है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।